आदमी बहुत से कहते हैं आजकल जो प्रोडक्ट चलाते हैं कि दूध पीने से खराब हो जाएंगे, साला आज तक हमारे बच्चे खराब नहीं हुए, हम खराब नहीं हुए दूध पी के, तो ये साले कहाँ से खराब। अब तो प्रोडक्ट चल रहे हैं, बस हर आदमी को प्रोडक्शन चाहिए अपनी अपनी, कि ये दो इससे ये होगा, ये दो इससे ये होगा, बेचारा चलता ही रहा। अब देखते हैं, अब तैयारी है इसकी, बाकी अब क्या करता है इसका मैं तो बोला ही नहीं भाई। नहीं आप बोले ना। नहीं अब मैं बोला। देखिए सर के पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, एक से बढ़कर एक। नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया। नमस्कार सर जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। भाई मास्टर जी अपना नाम है, यूपी शामली से हैं। यूपी शामली से? हाँ जी। यूपी से आ रहे हो? यूपी से। कितने दिन हो गए? 16 को आए थे हम लोग। आप कितने दिन रुकोगे? देखते हैं 22 या 24 में निकल जाएंगे। कितने जानवर लेके आए थे? 16-17 जानवर लेके आए थे। सेल कितने हो गए? हो गए 4-5। रेट वगैरह तो अपना नॉर्मल ही है, ज्यादा कोई रेट वगैरह नहीं। इसका क्या नाम है? इसका कोई नाम नहीं है अभी। नामकरण नहीं किया? नामकरण नहीं किया इसका। अभी यहाँ पे मेले में कितने जानवर है आपके पास अवेलेबल? अभी 14-15 हैं फिलहाल। सब सेल के लिए? नहीं सब सेल के लिए नहीं है। तो शो के लिए? शो के लिए। मतलब जो सेल करना था वो सेल कर दिया? हाँ एक दो और करना है वो भी हो जाएगा। तो सर जी हम जैसे कि वीडियो बनाते हैं तो पूरे मेले में हम घूम के आए हैं, लेकिन जैसे घोड़े और घोड़ियाँ आपके पास है वैसे हमें मेले में दिखाई नहीं दी। अरे नहीं सबके अच्छे जानवर? नहीं नहीं सबके अच्छे हैं, लेकिन इतनी हाइट वाले तो नहीं है। हाँ एक दो तो ये कह सकते हो, नहीं तो जानवर सभी के अच्छे हैं। हाँ जानवर तो सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन सभी के अच्छे हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुरा तो हम नहीं कहते वो बात नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है उनके पास के पास 5 है, के पास 7 है, लेकिन आपके पास जितने हैं ना उनकी सभी की जो हाइट है वही क्यों ले लगभग? हाँ जी हाँ जी, कोशिश यही रहती है अपने की अच्छी ब्रीड के जानवर खरीदे और अच्छे ही जानवर खरीदे हाइट वाले। तो इस मेले में आपने जानवर खरीदे भी है क्या? नहीं अभी नहीं खरीदे, लास्ट में देखते हैं क्या होता है, खरीदेंगे लास्ट में। तो अपने घर पे तो फार्म होगा फिर? हाँ जी हाँ जी। तो घर पे कितने जानवर होंगे? अभी होंगे 9-10 जानवर घर पे। तो सर ये इनकी हाइट इतनी ज्यादा है तो इनको खान पान भी इनका बढ़िया रहता है? खान पान देसी होता है अपना, स्टोर्ड वगैरह नहीं देते भैया अपना, तो देसी देते हैं, दूध घी चना यही देते हैं। अब आदमी बहुत से कहते हैं आजकल जो प्रोडक्ट चलाते हैं कि दूध पीने से खराब हो जाएंगे, साला आज तक हमारे बच्चे खराब नहीं हुए, हम खराब नहीं हुए दूध पी के, तो ये साले कहाँ से खराब हो जाएंगे। सही बात है। हाँ अब तो प्रोडक्ट चल रहे हैं, बस हर आदमी को प्रोडक्शन चाहिए अपनी अपनी, कि ये दो इससे ये होगा, ये दो इससे ये होगा। ये कौन सी लाइन का? पहले कभी घोड़े तैयार नहीं होते थे? सही है, पहले भी तो घोड़े होते थे तैयार, ये बच्ची है भैया। कौन सी लाइन? ये पटवारी घोड़े से 6 महीने की कंफर्म है। अच्छा हाँ जी। कितने साल की है सर? ये हो गई भैया 3.5 साल की। 3.5 साल की? हाँ जी। हाइट इसकी कितनी है लगभग? हाइट तो भैया होगी 68 से प्लस ही होगी। कहीं शो में लेके गए थे? नहीं भैया अब तक ये कहीं शो में नहीं लगाई हमने। आपके पास यहाँ पे मेरे शो में गया हूँ? हाँ शो के लिए। शो के लिए है जानवर जो ये अपना नीला घोड़ा है, चलो ये 2023 में विनर रहा है, मतलब किसी भी ये वाला सामने। अच्छा तो सर जी ये था जो शो में लेके गए? जो शो में लेके गए थे, ये मुक्सर से स्टार्ट हुआ था शुरू करने इसने 2023 में जनवरी में। चैंपियन रहा था? हाँ 2023 में इसने लड़े हैं, रिंग से बाहर नहीं आया, कभी 7वें पे कभी 6ठे पे कभी 8वें पे, बेचारा चलता ही रहा। अब देखते हैं, अब तैयारी है इसकी, बाकी अब क्या करता है इसका। इस मेले में भी रिंग में उतारने का विचार है क्या? अभी देखते हैं भैया क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी तो हाइट 67 इसकी हाइट है भैया। ये कौन सी लाइन का है? ये फौजी का है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा हाँ जी। ये भी अपने घर का तैयार किया हुआ है? नहीं भैया मैं इसको जनवरी में खरीदा था। अच्छा अच्छा आप सेल कर रहे थे। कितनी एज का है ये? हो गया 4 साल का। देखिए सर के पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं, एक से बढ़कर एक। यूपी से हैं, बहुत बड़ा फॉर्म है इनके पास, यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े आए हुए हैं। देखिए सुंदर सुंदर घोड़े, काफ़ी हाइट वाले, अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं।